अस्मिता। आज की मूवी का नाम है डेथ बेल, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि डेथ बेल में क्या हुआ। दोस्तों, कितनी भी स्टडी कर लो, सिर्फ एक एग्जाम ही ये डिसाइड कर सकता है कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं या फिर हम स्टडी के लायक है या नहीं। लेकिन क्या होगा जब यही एग्जाम हमारा जिंदा रहना या फिर मरना डिसाइड करेगी, और यही हमारी आज की कहानी होने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है ईना से, और उसके सभी दोस्त मर चुके थे जो कि मरने के बाद भी उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये आईना का बस एक सपना था। फिर आईना अपनी नींद से उठकर स्कूल चली जाती है। उनके स्कूल में बहुत स्ट्रेस चल रहा था क्योंकि उनके एग्जाम पास में थे और यही एग्जाम उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। उन स्टूडेंट्स को आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिनके पेरेंट्स रिच होने के कारण स्कूल में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। आईना के दो बेस्ट फ्रेंड थे जिनके नाम थे यून और यून, और उनके साथ में वो खुश रहा करती थी। यून स्कूल का सबसे बड़ा प्रैंक स्टार था। हम देखते हैं कि सभी टीचर्स भी एग्जाम के कारण बहुत टेंशन में थे। फिर एक दिन एक क्लास के टाइम पर ब्योम को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, और उसको अपने एग्जाम पेपर पर किसी लड़की का गोस्ट नजर आता है, जिससे कि वो चिल्लाकर अपने डेस्क से दूर चला जाता है। लेकिन टीचर वांग को उसके एग्जाम पेपर पर कुछ नहीं दिखता है, पर फिर भी उनको ब्योम के हाथ पर खरोंच के निशान मिलते हैं। लेकिन ब्योम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी स्पीकर पर फनी सॉन्ग प्ले होते हैं और सभी को पता लगता है कि ये प्रैंक यून का है, और इसीलिए उसको एक हफ्ते तक टीचर्स के काम करने की पनिशमेंट दी जाती है। उसी टाइम प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताते हैं कि दूसरे स्कूल के साथ उनके स्कूल का स्टडी कंपटीशन होने वाला है, तो इसीलिए टीचर्स स्टूडेंट की स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और उस कंपटीशन में क्लास एग्जाम में टॉप 10 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा। फिर अगले दिन एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, और टॉप 3 पोजीशंस रिच किड्स ने ली हुई थी। अचानक ब्यूम को अजीब फील होने लगता है, और उसे आईना के फेस में उसे किसी लड़की का गोस्ट नजर आता है, जिस वजह से ब्यूम आईना पर अटैक करता है, और बाकी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ब्यूम को संभालते हैं। फिर कुछ देर बाद एम्बुलेंस आकर ब्यूम को मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाती है, और जाते जाते ब्यूम सबको ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। उसी शाम गार्ड किम को स्कूल के अंदर ब्यूम दिखाई देता है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था। किम को ब्यूम के हाथों पर खून दिखाई देता है, और तभी ब्यूम को वहाँ पर एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है, और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन उनका स्पेशल क्लास होने वाला था, और वांग सभी स्टूडेंट से उनका फ़ोन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट अपनी स्टडी पर अच्छे से ध्यान दे पाए। और उस दिन एग्जाम के टॉप स्टूडेंट मीन मिसिंग थी। वांग को ऐसा लगता है कि शायद वो क्लास में लेट हो गई है, लेकिन फिर भी वे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग सभी के फोन्स को स्टाफ रूम में रखने जा रहा था, और तभी उसको बाथरूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसका नाम पुकार रही थी। सॉन्ग जब बाथरूम की तरफ जाता है तो कोई अनजान शक्ति उसे बाथरूम के अंदर ही खींच लेती है। फिर इधर क्लासरूम में बच्चे टीवी पर एजुकेशनल वीडियो देख रहे थे, और तभी टीवी पर एक दूसरा वीडियो प्ले होता है जहाँ पर मीन को एक ग्लास बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया था, और उस बॉक्स के ग्लास में कुछ अनसॉल्वड मैथ्स की इक्वेशन लिखी हुई थी। सभी मीन को ऐसी हालत में देखकर कंफ्यूज थे, और मीन भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो उस बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। टीचर चोई से टीवी बंद नहीं हो रहा था, और चोई आईना को स्टाफ रूम में भेजती है ये देखने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है। स्कूल के हर तरफ टीवी में मीन का ही वीडियो चल रहा था, और आईना स्टाफ रूम में जाकर देखती है कि उनके स्कूल का इंटरनेट कनेक्शन और फोन लाइन कटा हुआ है। अचानक टीवी से एक आवाज़ आती है कि सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, और जो भी एग्ज़ाम में पास नहीं होगा उसकी जान चली जाएगी, और जो भी स्कूल से भागने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा। अब उसी टाइम मीन के ग्लास के बॉक्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, और वांग को लग रहा था कि ये यून का ही कोई घटिया प्रैंक होगा। लेकिन जब बॉक्स में पूरा पानी भर जाता है और मीन की मौत हो जाती है, तब सबको समझ आ जाता है कि ये यून का कोई प्रैंक नहीं हो सकता है। ये देखकर टीचर ली स्कूल के बाहर जाते हैं किसी के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने के लिए। लेकिन ली के जाने के कुछ टाइम के बाद में कुछ स्टूडेंट भी डरकर स्कूल के बाहर जा ही रहे थे कि तभी वे लोग टीचर ली को खून में लथपथ देखते हैं, जिनकी मौत हो चुकी थी। मतलब कि ये बात सच थी कि अगर वे लोग स्कूल के बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो वे सभी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ ब्यून स्कूल के अंदर आ चुका था, और उसे किसी की नोटबुक मिलती है, और वो उस नोटबुक को देखने लगता है। इस तरफ फिर से टीवी पर एक और वीडियो प्ले होता है, और इस बार सॉन्ग की जान खतरे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिटोरियम में था, और उसका जवाब ऑडिटोरियम के फ्लोर में था, और जवाब को मिलाकर वहाँ के एक बोर्ड पर लगाना था। सभी टीचर्स और स्टूडेंट सॉन्ग को बचाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन आंसर कंप्लीट होता उससे पहले सॉन्ग की बॉडी ऊपर से ऑडिटोरियम के फ्लोर पर गिर जाती है, और सॉन्ग मारा जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की आंखों को मोमबत्ती के वैक्स से बुरी तरीके से जला दिया गया था,
और उस क्वेश्चन का आंसर सॉन्ग की बॉडी पर चाकू से काट कर लिखा गया था। तभी टीचर चोई ये नोटिस करती है कि उनमें से एक स्टूडेंट सुजिन मिसिंग है। तभी आयना को कुछ याद आता है और वो स्टाफ रूम की तरफ भागती है और जून भी उसके पीछे जाता है। अब तक आयना ने ये फाइंड आउट कर लिया था जो कि स्टूडेंट को उनकी एग्जाम के रैंक के हिसाब से मार रहा है। मीन ने एग्जाम में टॉप किया था तो इसीलिए वो पहले मारी गई और सॉन्ग सेकंड पोजीशन में था और आयना खुद फिफ्थ पोजीशन में थी। दूसरी तरफ कुछ रिच किड्स बाकी कुछ स्टूडेंट से दूर छुपने का प्लान बनाते हैं ताकि अगर कोई खतरा आए तो उन पर पहले ना आए। टीचर से बाथरूम जाने की परमिशन लेकर वे सभी एक रूम में छुपने जाते हैं और उनको सीसीटीवी कैमरा में ब्यूम दिखाई देता है। यून और आयना ऑडिटोरियम में वापस आकर टीचर को स्टूडेंट रैंक के हिसाब से हो रही मौतों के बारे में बताते हैं और रैंक के हिसाब से जियोन नेक्स्ट टारगेट थी। इसीलिए स्टूडेंट्स दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और वे सुआ को ढूंढने लगते हैं। एक ग्रुप को टीचर चोई गाइड कर रही थी और दूसरे ग्रुप को टीचर वांग गाइड कर रहे थे और इसी तरह रात हो जाती है और चियो अभी तक किसी को भी नहीं मिलती है। यहाँ इधर एक रूम में छुपे हुए रिच स्टूडेंट को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक स्टूडेंट डोर के पास कान लगाकर उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि तभी कोई उसके सर को डोर से निकाल कर उसे जान से मार डालता है। इधर बाकी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन मिला था और उनको दिए गए कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्यूटर में पासवर्ड डालना था। तभी उनको एक दूसरे फ्लोर से छुपे हुए रिच स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट की हो रही मौतों की वजह से सभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। ब्यूम भी वहीं पर था और उसे किसी लड़की का घोस्ट दिखाई देता है। तभी उनको सुजिन एक रूम में मिलती है और किलर ने गलती से चियोंग की जगह सुजिन को किडनैप कर लिया था जबकि थर्ड पोजीशन चियोंग का था और चियोंग पहले से ही मिसिंग था। वे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। कंप्यूटर में चियोंग की डेड बॉडी के साथ उनको एक क्रीपी सी वुमन नजर आती है। फिर कुछ देर के बाद सभी कुछ खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। आयना को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जीवो की याद आती है। जीवो क्लास की टॉप स्टूडेंट थी लेकिन वो बहुत ही गरीब फैमिली से थी लेकिन टॉप स्टूडेंट होने के कारण उसको स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाता था और स्कॉलरशिप के बिना वो स्टडी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बार एग्जाम में जीवो को सिक्स्थ पोजीशन मिला और स्कूल के तीन रिच किड्स को टॉप थ्री पोजीशन मिला और अगर यही फाइनल एग्जामिनेशन में हुआ तो वो स्कॉलरशिप के बिना पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। फिर कुछ दिन के बाद जीवो की डेथ बॉडी ऑडिटोरियम में मिलती है। अब सभी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि जीवो की घोस्ट ही यही सब कर रही है। जीवो का नाम आते ही वॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको इस बारे में बात करने से मना करता है। फिर उसी टाइम उन सभी को एक क्वेश्चन के बारे में अनाउंसमेंट सुनाई देता है और स्टाफ रूम में रखी एक पजल को उनको सॉल्व करना था और वॉशिंग मशीन में फंसी हुई सुजिन को बचाना था। लेकिन वॉन्ग किलर को स्कूल में ढूंढने जाता है। टीचर चोई आयना और यून पजल को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद में उनको स्कूल की फोटो मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है, अगर सच बता दिया तो ये सब कुछ रुक जाएगा। इधर वॉन्ग को अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और तभी उस पर कोई अटैक करता है। वो जल्दी से एक अलमारी में छुप जाता है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालता है लेकिन कोई उस अलमारी पर भी चाकू से वार कर रहा था। किलर के जाते ही वॉन्ग वहाँ से निकलता है। फिर दूसरी तरफ बाकी सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद वॉशिंग मशीन में खून से लथपथ सुजिन की डेड बॉडी मिलती है। अब इस पॉइंट पर टीचर चोई को भी यकीन हो गया था कि ये सब जीमून की घोस्टी कर रही है। फिर इधर कैंटीन में सभी स्टूडेंट सो गए थे और इसलिए यूना अपने फ़ोन में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही थी और उसी टाइम कोई उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ आयना को रूम में किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो उस रूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर उसी के सपनों में आने वाली लड़की नजर आती है जो उस पर अटैक करती है। लेकिन टीचर के वहाँ आते ही आयना को पता चलता है कि यह सब बस उसका एक वहम है। सभी डिसाइड करते हैं कि यून के प्रैंक के हिसाब से वो किलर को पकड़ेंगे। टीवी स्क्रीन के तारों को फॉलो करके वे लोग किलर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको छत पर ब्योम मिलता है। ब्योम चाकू लेकर आयना पर अटैक करने आता है और आयना को बचाने के लिए यून ब्योम के सामने आता है और चाकू उसे लग जाता है और यून वहीं पर मारा जाता है। ब्योम फिर से आयना को मारने आता है लेकिन इस बार वांग ब्योम को मार डालता है। वे सभी कुछ समझ पाते हैं उससे पहले उनको नेक्स्ट क्वेश्चन का अनाउंसमेंट सुनाई देता है और इस बार यूना खतरे में थी। यूना एक रूम में बंधी हुई थी और उसको उल्टा लटका कर रखा गया था। उस रूम के अंदर जाने के लिए उनको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर कुछ ही टाइम में वे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन यूना की रस्सी खोलने से पहले कोई यूना को ऊपर उठाकर उसको नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और यूना की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि सही जवाब देने के बाद भी वो किलर सभी को मार रहा था। तभी वांग को कोई नजर आता है और वांग उसका पीछा करता है और वही किलर वुमन वांग पर अटैक कर देती है लेकिन वांग टाइम रहते उस औरत का गला घोटकर उसे मार डालता है।
सीन यहीं पर कट होता है और कहानी अब फिर कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर मरे हुए स्टूडेंट का मेमोरियल रखा गया था। वहाँ से आइना छत पर जाती है और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड उसके सामने मर चुके थे। छत पर आइना को वही नोटबुक मिलती है जो कि जीवन की थी और वहाँ पर उनकी एक फैमिली पिक्चर भी थी। फैमिली पिक्चर से हमें पता लगता है कि किलर वुमन जीवू की माँ और स्कूल का गार्ड किम जो कि जीवू का फादर था, और फिर उसी टाइम किम आइना को किडनैप कर लेता है। किम फिर ऑडिटोरियम में सबको अनाउंसमेंट करता है कि ऑडिटोरियम में गैस भर दी गई है, और इतने टाइम से किम और उसकी वाइफ उसकी बेटी जीवू की मौत का बदला ले रहे थे। फिर किम जीवू की मर्डर का वीडियो प्ले करता है और तब सबको पता लगता है कि जीवू को टीचर वांग ने मारा था। असल में वांग को रिच पेरेंट्स ने पैसे दिए थे ताकि वे उनके बच्चों को टॉप रैंक दें, और इसी वजह से जी फोंग फर्स्ट से सिक्स्थ पोजीशन पर आ गई थी। जी वोंग इस बारे में प्रिंसिपल को बताती, उससे पहले वांग जी वोंग का गला घोटकर उसे मार देता है। ब्यूम ने यहाँ पर मर्डर होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसने जी वोंग की मदद नहीं की थी और ना ही मर्डर के बारे में किसी को बताया था, तो इसीलिए ब्यूम को भी सजा दी गई। सच सामने आने के बाद में वांग एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पास लोगों को आने से रोकता है, लेकिन किम वहां पर आकर वांग को मार डालता है और आइना को बचा लिया जाता है। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किम ने पहले के स्कूल गार्ड को मार डाला था और उसकी जगह उसने खुद जॉब ले ली थी, और अपनी वाइफ के साथ उसने इस प्लान को बनाया था ताकि वो अपनी बेटी जीवन के मर्डर का बदला ले सके। कहानी फिर एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट की तरफ आती है, जहाँ पर आइना ने टॉप किया था, और यहाँ पर हम जान पाते हैं आइना को जीवन ने बहुत पहले ही पजेस कर लिया था। अब आइना के जरिए जीवू अपने टॉपर बनने का सपना पूरा करेगी, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी जीवू की थी जो कि अगर टॉप नहीं करेगी तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और वो आगे स्टडी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, लेकिन यहाँ पर भी अमीर लोगों ने पैसे देकर अपने बच्चों को टॉप रैंक दिलवाई और ऐसे जीवू का करियर खतरे में आ गया। सच छुपाने के लिए वांग ने जीवू को मार दिया और ब्यूम ने यह सब होते हुए देखा, लेकिन वो चुप रहा, और इसीलिए जीवू की घोस्ट ने उसे सजा दी। मर्डर का वीडियो जीवू के फोन में सेव हो गया था, जिससे कि उसके पेरेंट को सच पता चल गया था और उन्होंने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया ताकि रिच पेरेंट्स को अपने बच्चे को खोने का दर्द पता चले और वांग को भी सजा मिली। जीवू की घोस्ट ने बहुत पहले ही आइना को पजेस कर लिया था ताकि आइना के जरिए वो अपने स्टडी के सपने को पूरा कर सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको डेथ वेल मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस कैसे लगते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।